उत्तराखंड के चंपावत जिले में आने वाला स्वाला गांव कभी लोगों से गुलजार रहता था, लेकिन आज इस गांव में सन्नाटा पसरा है। जिस गांव को अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, और खौफ ऐसा है कि लोग यहां आने से भी डरते हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में एक और दो नहीं बल्कि कुल 8 भूत हैं, जिससे अब इस गांव को भूतिया गांव के तौर पर जाना जाने लगा है। कहते हैं कि इस गांव के भूत किसी भी इंसान को बसने नहीं देते। वैसे इतना ही सुनने पर अंदाजा तो लग गया होगा आपको कि आज के इस रहस्यमयी गांव की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन फिर भी थोड़ा बता दूं कि आज की ये कहानी स्वाला गांव में घटित रियल घटना से जुड़ी हुई है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे थोड़ा और बता दूं कि हमारे चैनल को इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि 1952 से पहले यह गांव भी एक आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन साल 1952 में यहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद यह पूरा गांव वीरान हो गया। ऐसा कुछ हुआ कि स्वाला गांव को भूतों का गांव कहा जाने लगा। लोगों के मुताबिक साल 1952 में यहां से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। वैसे पीएसी बटालियन मतलब आप समझ रहे हैं ना? अगर नहीं पता हो तो स्क्रीन में दिखाए जा रहे स्क्रीनशॉट के शब्दों को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो बात यह है कि 1952 में एक पीएसी बटालियन इस गांव से गुजरी। इसी बीच बटालियन की एक गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें मौजूद सैनिक मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे, लेकिन इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की, और बोला तो यह भी जाता है कि लोगों ने उनकी मदद करने के बजाय उनका सामान लूटना शुरू कर दिया था। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी एक ना सुनी और उनका सामान लूटकर भाग गए। जवानों की तड़प तड़प कर गाड़ी में ही मौत हो गई थी। दरअसल कहा जाता है कि पीएसी बटालियन की घटना के बाद से गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यहां रह रहे लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया था। कभी किसी का जानवर तो कभी कोई इंसान बिना किसी कारण के बीमार होने लगे थे और मरने लगे थे, जिससे यहां के लोगों को मजबूरन गांव छोड़कर भागना पड़ा और ये गांव वीरान हो गया। बताया जाता है कि यहां उन सैनिकों की रूह आज भी घूमती है। उन सैनिकों की आत्मा यहां किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने उन सैनिकों को यहां घूमते देखा है। इस गांव के रहवासी जो इस घटना के बाद दूसरे गांव में चले गए, उनके मुताबिक गांव में रात के समय निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि बाद में लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जिस जगह गाड़ी गिरी थी वहां पूजा पाठ भी करवाया और वहां पर दुर्गा मां का एक मंदिर बनाया गया, मगर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वैसे बता दूं कि वह मंदिर अभी भी यहां मौजूद है और इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी यहां अभी भी रुकती है और मंदिर में माथा टेकने के बाद ही आगे बढ़ती है। वैसे इस जगह को लेकर भी अलग अलग जुबानों पर अलग अलग कहानियां हैं, जैसा कि हर मिस्टीरियस भूतिया जगहों को लेकर होता है, मगर इस गांव के हर कहानी में इतना जरूर बताया जाता है जितना इस वीडियो में बताया गया, जो इस गांव के रियल घटना के बारे में है। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।